ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ये सामग्री हमें चाहिए। ये ब्रेड, बेसन, उबला हुआ आलू। मसाले में हमें ये चाहिए सामग्री, लाल तीखा वाला मिर्च, नमक अनुसार, अजवाइन, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, हींग। ये चटनी बनाने के लिए हमने ये सबसे पहले हम धनिया डालेंगे इसमें। आपको जितना पसंद हो उतना डालिएगा। हमने ये 3 मिर्ची डालते हैं इसमें, और ये मूंगफली के दाने, और ये जीरा, ये अदरक, ये लहसुन, और ये नमक, और उसके बाद ये थोड़ा सा पानी डाल के चटनी बना लिया। अब चलते हैं हम आलू वाले मसाला बनाने भरने के लिए। अब हम आलू को मसल लेंगे, बारीक कर लेंगे, स्टफिंग वाला आलू। गैस ऑन करेंगे, पैन गरम हो गई है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, उसके बाद हम जीरा डालेंगे इसमें, ये धनिया डालेंगे उसमें, खड़ा धनिया, इसको हम मिला लेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। थोड़ा सा हम लाल मिर्च डालेंगे, कश्मीरी तीखा, गरम मसाला डालेंगे। ये मसाला भुना गया, अब इसमें हम आलू डालेंगे। हम अच्छे से आलू को मिला लेंगे, मसाले में मिला देंगे आलू को। मसाला बन गया, हम बेसन चाल के रख लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, इतना हींग डालेंगे इसमें, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे हम बेसन फूलने के लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाएंगे। इतना मोटा और पतला ऐसा ही होना चाहिए घोल। अब हम इस ब्रेड में ये चटनी लगाएंगे, ये हरी चटनी धनिया वाली। अब सब में लगा लेंगे हम। अब हम इसमें मसाला लगाएंगे हेड पे, इसे हम चिपका लेंगे इसे। अब हम गैस ऑन करेंगे, पैन गर्म होने पर हम तेल डालेंगे इसमें। इसमें तेल डाल दिए हैं, अब मैं चेक करूंगी इसमें डाल के। ये गरम हो गया है, अब मैं इसमें ये ब्रेड डालूंगी। पहले हम इस घोल में डुबो लेंगे किनारे किनारे से, फिर उसके बाद हम बीच से डुबाएंगे, फिर उसके बाद हम तेल में डालेंगे। हम पलटेंगे ब्रेड को, ऐसे आराम से पलट लेंगे। अब हम इसे आराम से निकाल लेंगे कढ़ाई में से, ब्रेड को इसे पकड़ के ऐसे, फिर ऐसे निकाल लेंगे हम दूसरे वाले को भी। यहाँ पर ये ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।